चलिए मैं हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ, 10 क्लास का मैथ है, चैप्टर नंबर 12.1, जिसमें हम लोग का चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये 2025 का BVI क्वेश्चन जितना भी होगा इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिए, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसका सारा क्वेश्चन का हल हमारे रितेश सर करेंगे और आप रितेश सर से अच्छा से मैथ को तैयारी कीजिएगा, ठीक है? लीजिए सर, और बताइए इन लोगों का। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 12 है। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव का हल करना है, आप लोग भी कर लीजिएगा। और इससे जो 2025 में VVI जो क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग हल करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है 9:4, कितना दिया है? 4:9 दिया है। दो वृत्त है जिनका क्षेत्रफल दिया है 4:9, उनका क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो आपको सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब कि आपका जो क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल, क्या निकालना है? त्रिज्या। क्षेत्रफल दिया है 4:9, कितना दिया है? 4:9। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या निकालना है? इसका दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का वर्गमूल क्या होता है और 9 का वर्गमूल क्या होता है? यही आंसर हो जाएगा, 2:3। किसी को दिक्कत है? बताइए, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए, अच्छा बताइए, क्षेत्रफल बड़ा होता है कि त्रिज्या बड़ा होता है? तो क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग जो दिया रहेगा उसमें को क्या कर देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। अगर यही मान लीजिए कभी दे देगा त्रिज्या, अगर दे देगा त्रिज्या, दे देगा मान लीजिए 7:6, कितना दे दिया? अगर क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्षेत्रफल में 7 का वर्ग कर दीजिए 49, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। मतलब यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा तो वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, अगर उसका त्रिज्या निकालना होगा तो वर्गमूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए बता रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ये पहला अच्छा से समझ में आ गया? अगर आपको अनुपात में दिया रहेगा क्षेत्रफल, त्रिज्या कहेगा, तो उस दोनों संख्या को कुछ करना नहीं है, क्या निकाल देना है? वर्गमूल निकाल देना है। अगर त्रिज्या दिया रहेगा, आपको क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्या कीजिएगा? वर्ग कर दीजिएगा। क्या करिएगा? वर्ग करेंगे। चलो, इसको मिटका देते हैं, आगे बढ़े ना। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कोण जो है थीटा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बता दीजिए? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटा पाई आर, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। तीन धावक जो हैं, एक एक घंटा में चक्कर लगाता है, एक 3 घंटा में चक्कर लगाता है, एक 5 घंटा में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम लसर निकालेंगे, लघुतम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुतम। तो बताइए, तो 1, 3 और 5 का लसर कितना होगा? 1, 3, 5 का लसर कितना? 15 आंसर हो गया। समझ में आया? जब भी धावक दिया रहे और कहेगा कि कितने समय बाद तीनों एक स्थान पे मिलेंगे, तो कुछ करना नहीं है, जितना समय दिया रहेगा उसका LCM निकाल लेंगे, लसर निकाल लेंगे, लघुतम सह प्रत्यय निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? बताइए।
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए चार नंबर का उत्तर आप लोग दीजिए। इसमें दिया है 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। गलत उत्तर मत दीजिएगा। 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा, तो तीनों का लसक कितना आ जाएगा? 12। 12 घंटा बाद वो तीनों एक बिंदु पर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्या करना है? एक वृत्ताकार पथ, ये भी एक वृत्ताकार पथ था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लसक निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं। चलिए आप लोग थोड़ा बोलते भी रहिए, नहीं तो हम जानेंगे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की दुगनी कर दी जाए तो नया वृत्त और पुराना वृत्त। देखिए एक नया होता है, एक पुराना होता है। अब परिधि, परिधि ने बोला है तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसका भी 2πr। कह रहा है ना कि जो नया वाला वृत्त है इसको दोगुना करना है। नया वाला वृत्त को कितना करना है? तो नया वृत्त में 2 से आप गुना कर दीजिए। कितना से गुना कीजिएगा? 2 से। अनुपात में करना है, किस में करना है? ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? इधर 2 बचेगा, इधर 1, 2:1। ऑप्शन दिया है 2:1, कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? कह रहा है कि वृत्त का जो परिधि है, जो वृत्त का त्रिज्या से दोगुना कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा? तो कितना होगा? मतलब 2πr, 2πr दोगुना करना है तो 2πr, 2πr कट जाएगा, 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, 2:1। क्या कर रहे बताइए, आंसर सीधे रहा है का? नहीं बी क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर जाए, नए और पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात पूछा है, ठीक है? तो परिधि क्या होता है? 2πr होता है ना, तो एक नया वृत्त का परिधि, एक पुराना का, दोनों का 2πr कर दिए। नया में 2 से गुना करना है, नया में कितना से गुना करना है? 2 से। तो दोनों कटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2:1 आंसर हो जाएगा। दिक्कत है? आगे बढ़ें। कितना आएगा? अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बहुत अच्छा। 3, 4 और 8 का लघुत्तम एलसीएम निकालिए। देखिए ये भी 3 धावक लोग हैं। 3, 4, 8 का एलसीएम निकालिए, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आया? 24। एलसीएम आता है आप लोग को? हाँ। लसा आता है ना कि बताना पड़ेगा? आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर, कितना नंबर? 7 नंबर आप लोग बना सकते हैं। 7 नंबर देखिए तो बन जाएगा। 7 नंबर पढ़िए। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पहले पुराना, पहले कौन? पुराना। अब बाद में कौन रखना है? अब देखिए कह रहा है कि पुराने और नए वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो परिधि जो है इसका 2πr होता है, इसका भी 2πr होता है, होता है। अब देखिए किसको आधा करना है बताइए? नया वाला को, पुराना वाला तो जस के तस रहेगा, नया वाला को आधा करना है तो इसमें 2 से आप क्या कीजिएगा? भाग कर दीजिएगा। ये 2 से 2 का हो जाएगा, अब आर से आर, पाई से पाई कट गया, क्या बचेगा? 2:1 है, देखो तो 2:1, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी को दिक्कत? मतलब ये है कि किसी वृत्त की, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आप लोग से बनाइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए आप लोग, देखते हैं आप लोग से 8 बन जाता है कि नहीं। ये बी ऑप्शन सही होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात जो होगा तो 2:1 होगा। कितना हो जाएगा? 2:1। दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा आप लोग बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो बन गया ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग थोड़ा हल कीजिए इसको। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है इसको मिटका देना, हो गया है ये क्वेश्चन, हो गया आप लोग का। चलिए कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या किसका दुक्का करना है दुगना, तो पुराना और नया वृत्त का क्षेत्रफल, पहले पुराना रखना है, कौन रखना है पुराना, और फिर क्या रखना है नया रखना है, क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है तब पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो नया ना दुगना होगा, हो पाई से पाई खत्म, मान लीजिए इसका एक है तो एक का स्क्वायर, इसका नया वाला का दो का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना होता है चार, एक अनुपात कितना हो जाएगा चार, दिया है कौन ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है ना। कभी कहेगा तो नया वाला में करना है, किस में करना है नया वाला में, पुराना वाला जस का तस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 का बी, ठीक है 8 नंबर का बी, क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, इसको मानते हैं एक, ये दोगुना कह रहा है, कितना कह रहा है त्रिज्या को दोगुना, तो दो कर दीजिए, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार, मतलब एक अनुपात चार हो गया, कितना हो गया एक अनुपात चार हो गया। आगे बढ़े हैं आप लोग, नया और पुराना यही ध्यान दीजिएगा, और कभी भी जोड़ना होगा, गुना करना है, भागा करना है, दोगुना करना है, तिगुना करना है, तो नए वाला में करेंगे, ठीक है, किस में करेंगे नए वाला में, पुराना वाला में नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े हैं, इसको मिटका दे, हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि परिधि दिया है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र याद है आपको क्या होता है, सूत्र है 2πr, परिधि कितना दिया है 44, 2π का मान कितना होता है r जस का 10, r जस का देखिए 44, इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, और 2×22 बराबर r बचेगा, 22 ले 44 कटा दिए, 22 दुनी और 2 से 2 खत्म, आर का मान कितना आ गया, यही पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, देखिए वृत्त का परिधि दिया है 44, 2πr होता है ना, तो 2πr बराबर 44 बराबर 2πr 44, अरे भागा में इधर आएगा तो गुना में, ये दोनों गुना में नीचे भागा में, 22 दूनी 44 है, 2 से 2 कट जाएगा, आर के मान कितना आ गया, आर मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या आपका आ गया कितना 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, गलती है ये कह रही ए ऑप्शन, अरे क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या निकालना है, तो क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, एक का वर्गमूल क्या होता है, तो बी ऑप्शन होगा ना, नहीं बताए, क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिज्या निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल, क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल, अगर यही त्रिज्या दिया होता, अगर क्षेत्रफल कहता तो उसको वर्ग कर देते, क्या कर देते वर्ग। चलिए आप लोग करते चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि क्षेत्रफल जब दिया रहेगा, पहला जो क्वेश्चन है ना उसी तरह ये भी है कि क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिज्या निकालना है तो कुछ करना नहीं है, आपका वर्गमूल निकाल दीजिए, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2:1 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें,
अभी वाला समझ में आया, उतारे आप लोग विद्युत के परिधि 2πr, परिधि 44 दिया है 2πr, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा तो बताना आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलो वर्ग का विकर्ण दिया है, तो वर्ग के भुजा बराबर सूत्र बताओ। हाँ, भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा रूट, विकर्ण दिया है कितना 16√2, बटा रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब 12 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। चलो ये बनाना होगा, बना लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी अच्छा हो, एक हम बता रहे इधर बोर्ड पे, तो वो घड़ी सब लोग बोल रहा है कि समझ में आ गया, फिर बाद में बोल रहे हैं क्वेश्चन फंस रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, वो भी अगताना नहीं है, ठीक है? पहले सिंपल समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए तो आप लोग। कौन हो जाएगा? तीन का। देखिए यहाँ पर अच्छा दिया है, त्रिज्या दिया है। हाँ। क्या दिया है? त्रिज्या। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग अब खुद बनाइएगा। त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो तीन का वर्ग कर दीजिए 9, चार का वर्ग कीजिएगा 16, आंसर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr2। ये परिमाप है, क्या है? परिमाप। ये क्या है? बोला है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो देखो 2πr, पाई आर स्क्वायर के मतलब आर गुने आर हो सकता है, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर बराबर क्या बचेगा? दो मात्रक। क्या बचेगा? दो मात्रक। आंसर है ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है? मतलब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जब बराबर है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, एक ही बात है। तो वृत्त का परिधि हो चाहे परिमाप हो 2πr होता है, क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, πr² होता है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो सूत्र लगाएंगे 2πr, πr² 2πr, पाई आर गुने आर हो जाएगा, एक पाई से एक पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, आर बराबर कितना बचेगा? दो मात्रक। आर बराबर कितना बचेगा? दो मात्रक। दिक्कत है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो बन गया, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है बताओ? 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? तो हम वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब एक से स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा एक से अनुपात वाई। कौन हो जाएगा? कौन नंबर? डी नंबर। वर्गमूल निकालिएगा ना, तो वर्गमूल का नियम है दो में से एक निकालते हैं, तो एक से स्क्वायर है इसका मतलब एक से गुने एक से है, और वाई स्क्वायर है मतलब कि वाई गुने वाई है, समझ में आया? तो दो में से एक निकालेंगे, दो में से एक मतलब एक अनुपात वाई आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है वृत्त की त्रिज्या के गुनी है, तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना पहले रखना है, पहले कौन रखना है और बाद में कौन रखना है? नया। क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराना वाला तो मान लीजिए कि के है, बोला है एक मान लेते हैं, के गुनी करना है, तेहू में एक मानते हैं, दोनों का मान लीजिए कि क्षेत्रफल एक है, दोनों का क्षेत्रफल कितना कर दीजिए? दोनों का क्षेत्रफल एक कर देते हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसमें नहीं करना है, नया वाला में के गुना करना है, इसमें के से क्या कर देना है? और क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, किसका पूछा है? इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, एक हो जाएगा, इसका के स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है? सी ऑप्शन। कौन है? सी। समझ में आया? फिर से समझिए, एक पुराना वृत्त है, एक नया वृत्त है, दोनों का मान लीजिए कि त्रिज्या जो है एक दिया है, इसका एक दिया है, के गुना करना है तो के से इसमें गुना कर दीजिए नया वाला में। क्षेत्रफल पूछा है तो जब त्रिज्या दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालना होगा तो स्क्वायर करते हैं, तो एक का स्क्वायर एक और के का स्क्वायर के, एक स्क्वायर के एक अनुपात से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन है? ब्यास पूछा है। क्या पूछा है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें दिया है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त, यहाँ भी दिया है 64 पाई, यही ना दिया है। अब देखो इसका होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। समझिएगा, पाई से पाई क्या हो गया? आर स्क्वायर है तो आर बराबर रूट अंदर 64, तो आर बराबर 8, त्रिज्या आ गया। पूछा है ब्यास, क्या पूछा है? ब्यास। तो ब्यास बराबर क्या होता है? वृत्त का ब्यास पूछा है तो 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने आर, तो 2 गुने आर का मान है 8, 8 दूने कितना? 16 सेंटीमीटर। माने ऑप्शन कौन है? बी। कौन ना डी बता रहा था? बी बोल रहे थे। चलो बी ऑप्शन सही है, उतार लीजिए, उतारना है तो। वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई दिया है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर रूट अंदर 64 वर्गमूल निकलेगा तो 8 आ जाएगा त्रिज्या। ब्यास निकालना है तो 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने 8, 8 दूने कितना? 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त के परिधि जो है 2 पाई से 4 पाई कर दिया गया, 2 पाई से, तो क्षेत्रफल कितना होगा? पहले परिधि था, क्या था? परिधि। चलिए कितना था? 2 पाई से 4 पाई, कितना हो गया है? 4 पाई। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। देखिए ये पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, तो ये दोगुना से चौगुना हो रहा है, दोगुना से कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। किसका पूछा है? देखिए अब ये 2 से कटा दे, 2 दूने माने 1:2 हो गया। क्षेत्रफल का पूछा है, किसका पूछा है? तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 दूने 4, 1:4 मतलब 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलो 19 नंबर, ब्यास दिया है, परिधि निकालना है तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा 19 का, तो मतलब डी बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर, आर 14 है 14, तो डी बराबर डी बटा 2 होता है 14/2, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर तो मान निकल गया, क्या निकालना है? परिधि, तो 2 पाई आर होता है, क्या होता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान होता है 22/7, आर दिया है 7, 7 करा दे 22 दूनी 44, मतलब वृत्त का जो क्षेत्र परिधि है तो क्षेत्रफल परिधि निकलता है 2 पाई आर से, किससे निकलता है? 2 पाई आर, तो 2 पाई का 22/7, आर का 7, 7 ले 7 कट जाएगा 44, 44 डी ऑप्शन। तो उतार लो, काटे नहीं है अभी, चलो आ गया, उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा।
बीस नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर हम लोग देख लिए ना, कौन देखना है? 20 नंबर, 20 नंबर दिया है, परिधि दिया है कितना बताओ? वृत्त का परिधि कितना दिया है? 220। परिधि होता है 2πr, 220। 2π का मान 22/7, r जस के तस 220 हो जाएगा, तो r बराबर 220 गुना में चल जाएगा 7, अब बटा में 2 गुने 22, देखो 22 दहा में हो जाएगा 220, 10 मर्त में 2 5 7 5, r के मान कितना? आर के मान पूछा है, त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या मतलब r होता है, त्रिज्या मतलब 35। जल्दी नोट कर लीजिए, ये 5 मर्त में कटा है, देखिए 22 दहा में 220 और 2 से कटेगा 10, तो 5 मर्त में 7 ले 5 ले गुना कीजिए 7 5 35, मतलब त्रिज्या को जो मान आ गया कितना आ गया? 35 आ गया। वृत्त के परिधि दिया है 220, परिधि होता है 2πr बराबर 220, 2π का मान 22/7, r बराबर 220, r बराबर 220 गुने 7 है, भागा में इधर गुना में, और ये दोनों गुना में इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बना लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर, वृत्त के परिधि दिया है 2:3, तो परिधि जो अनुपात होता है मतलब 2πr और 2πr, तो अनुपात दिया है 2:3, और 2π से 2π तो कट ही जाएगा, r का अनुपात दिया है 2:3, कितना दिया है? 2:3। त्रिज्या का अनुपात दिया है? नहीं दिया है, देखिए 2πr बराबर 2πr, तो परिधि दिया है 2:3, तो त्रिज्या का मान दे दिया, किसका मान दे दिया? तो त्रिज्या के मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। अच्छा बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग की क्षेत्रफल, मतलब एक 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त के अंतःवर्ग, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है ना, इसका त्रिज्या कितना है, एक वर्ग बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है? वर्ग। यहाँ पर त्रिज्या है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर, सुनो समझिए, तो क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है ना, अंतःवर्ग, तो देखिए समझिएगा, 8 सेंटीमीटर इसका दिया है, तो इसका भी कितना दे देगा? 8 सेंटीमीटर, माने व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? ये जो है विकर्ण है, क्या है कहो? अच्छा 2:3 है ना, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, 8 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर ना हो, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये कुछ करना नहीं है, 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 सेंटीमीटर ये भुजा हुआ, 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 8 का वर्ग कर दीजिए, 64, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 23 नंबर, कितना नंबर? 23। देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई कितना त्रिज्या दिया है? हाँ सुई के लंबाई त्रिज्या दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो एक डिग्री, देखिए एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 60 डिग्री का, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है? हाँ बोलो बताएंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा के मान 60 बटा 360, पाई के मान 22/7,
आर स्क्वायर है, 21 है, 21 का स्क्वायर कर दो, मतलब 60 बटा 360, 22 बटा 7, 21 गुने 0 से 0 कटा दो, 6 6 का 36 हो जाएगा, 70 का 21, 3 दुनी 6, 11 दुनी 22, 11 21 में गुना कीजिएगा 231 आ जाएगा, कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 का देखो, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आर जो है त्रिज्या है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण पी डिग्री है, कितना डिग्री, तो ये देखिए 2 से कटा दो 360 आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, पी बटा 720 टू पाई आर स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा 720 तो 360 हो जाएगा, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना 154, कितना दिया है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 दिया है, पाई का मान 22 बटा 7 आर स्क्वायर, समझिएगा 154 गुने 7 अब बटा 22 बराबर आर स्क्वायर, समझ लीजिए 22 से कटा दीजिए, 22 सते 54 से 7 गुने 7 स्क्वायर रह जाएगा तो रूट हो जाएगा बराबर आर, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, ब्यास पूछा है ना, तो ब्यास क्या होता है बताओ, तो ब्यास बराबर क्या होता है, हाँ ब्यास बराबर 2 गुने आर त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या है 7, 7 दूनी कितना होता है 14, आंसर है ए ऑप्शन, कोई दिक्कत बना लीजिए, इसको बनाइए। बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना, मतलब ये है कि अगर ये पहला है और ये एक गुना, मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल 16 गुना है, तो त्रिज्या क्या होगा, ये क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या निकालना हो तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, वर्गमूल होता है, मतलब 4:1। ऑप्शन नंबर कौन है, डी ऑप्शन, कौन ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कौन नंबर क्वेश्चन है बताइए,